नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम। यूपी के औरैया जनपद में इन दिनों बीजेपी के दिग्गजों की रैलियां और चुनावी सभाएं चल रही हैं, जिनका मकसद चुनावी समीकरण बदलने का है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। अचलंदा ब्लॉक के रामलीला मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों समेत योगी सरकार द्वारा कोरोना काल में मुफ्त राशन देने और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर बबुआ और बुआ को घेरा। वहीं कांग्रेस को भी अमित शाह ने आड़े हाथों लिया और कुछ क्या कहा चुनावी सभा में, आइए देखते हैं। बनते ने या नहीं बनते ने? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं तो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। परिवर्तन 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, शिक्षा के अंदर 10 नए अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाए गए, 51 नए कॉलेज और 80 कॉलेजों को बिल्डिंग बनाए गए, 40 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए गए और 771 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सब तो किया ही। बोनस में मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित जब जब सपा बसपा बोलो भारत माता की, जब सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, तब पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया भारत में घुसा थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और मौली बाबा मनमोहन सिंह के मुंह पर उफ नहीं हुआ। पुलवामा में हमला किया, उरी में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम, और पूरी दुनिया में ये संदेश कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके सामने आग उठाकर देख नहीं सकते, वरना दंडित किए जाते हैं, दंडित किए जाते हैं।